आज भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के जयंती पर समर्पण दिवस मनाती है, और जो दीनदयाल जी ने सपना देखा था अंत्योदय का, कि हर आखिरी व्यक्ति को सरकार से मदद मिलनी चाहिए, उस काम को जीवंत रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 3.5 करोड़ गरीबों के मकान बना के हर घर में शौचालय, बिजली, गैस और मुफ्त का अनाज पहुंचा करके दीनदयाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने को जो भी शिक्षा मिलती है समाज को काम करने की, वह दीनदयाल जी के सिद्धांतों से ही मिलती है। बीजेपी केंद्र की ओर से मांग किया है कि बिहार में 3 जिले जहां जातीय उन्माद और इंटरनेट बंद हुआ है, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, मैं अभी 12:30 बजे प्रेस करने जा रहा हूं। कांटी में जो हत्या हुई है, सीधे सीधे उसका FIR हटा करके और पुलिस ने अस्पताल में कर दिया है। मैं सारे कागज के साथ आपको 12:30 बजे उसका सबूत रखूंगा। आज जिस तरह से जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष की हत्या हुई है, उससे लग रहा है कि लक्ष्य जो है वह जदयू के भी सभी नेताओं की हत्या करके जदयू को भी साफ कर देने का है। और उसके बाद माननीय ललन जी राजद के दरबारी रहेंगे या क्या रहेंगे, या ललन जी तय करेंगे।